अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है, क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है लेट द गेम्स बिगिन, तो चलो खेल शुरू करते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिल खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो,